सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। सभी दर्शकों को जो इस समय हमें देख पा रहे हैं, उनको मेरी ओर से नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमासेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रि इति महागौरीति च अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। देवी माँ के पर्व हमारे नवरात्रों का पर्व जो हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न और विलक्षण अंग है, जिससे कोई भी भारतीय समाज अपना मुख नहीं मोड़ सकता। शारदीय नवरात्रि प्रतिपदा से नवमी तक ये नौ नवरात्रि जो हमारे जीवन में आते हैं, ये आध्यात्मिक और वैज्ञानिक संदेश से पूरी होते हैं। इन नौ रातों में, इन नौ दिनों में हम माँ देवी का आराधन करते हैं। दुर्गा का पूजन, सरस्वती मैया का पूजन, लक्ष्मी मैया का पूजन, यूं तो ये नौ देवियों के साथ नौ दिन जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम धन की उपासना के लिए स्वयं माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं, धन प्राप्ति हेतु माँ लक्ष्मी की ओर निहारते हैं और घर से तामसिक शक्तियों के निवारण हेतु, घर में शांति प्राप्ति हेतु हम माँ दुर्गा का आराधन करते हैं, और अगर हमें संगीत और विद्या का दान चाहिए तो माँ सरस्वती का पूजन करते हैं। लेकिन यही धन विद्या और शक्ति की प्रतीक ये माता जब हमारे घर में पुत्री के रूप में आती है तो फिर हमें दुख क्यों? क्योंकि जो अंतिम दिवस है नवरात्रों का, उसे महानवमी के रूप में हम मनाते हैं और स्वयं कंजकों के रूप में नौ देवियों की आराधना करते हैं। ये नौ कंजके जब पुत्री के रूप में मानव समाज में जन्म ले तो खुशी का वातावरण क्यों नहीं, सिर्फ साल में दो बार ही नवरात्रि पर्व के रूप में हम उत्सव क्यों मनाते हैं? आज नवरात्रि पर्व पर माँ का आशीष अगर पाना चाहते हैं तो सबसे पहले समाज में बेटियों का सम्मान करें, कन्याओं का सम्मान करें, अपनी माँ का सम्मान करें। बेटी है तो जहान है, माँ है तो सम्मान है। इसी शुभ संदेश के साथ आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन।